हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल सेसमे कुकीज़। ये कुकीज़ बहुत ही लाइट हैं, बहुत ही टेस्टी हैं और इस कुकीज़ को आप कभी भी खा सकते हैं अपने चाय के साथ या आपका जब भी मन करे। तो आप इस रेसिपी को आज ही ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। हम कुकीज़ को कुकर में बेक कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कुकर को प्रीहीट करेंगे। प्रीहीट करने के लिए कुकर के अंदर लगभग 1.5 कप नमक डाल दें और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लें। अब हम कुकर के अंदर एक वायर स्टैंड डाल देंगे और कुकर के ढक्कन से रबर और विसिल को हटा देंगे। और अब कुकर का ढक्कन लगा दें और इसे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म होने दें। जब तक कुकर प्रीहीट हो रहा है, हम कुकीज़ के लिए डो तैयार कर लेंगे। तो एक बोल में हम 1/2 कप मैदा लेंगे, ये ग्राम्स में 80 ग्राम मैदा है। अब हम सेम क्वांटिटी में 1/2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे और ये ग्राम्स में 80 ग्राम है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल, जो कि विंटर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और थोड़ा सा बचा लेंगे हम कुकीज़ को गार्निश करने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा, ग्राम्स में ये 20 ग्राम है। इसकी जगह पर आप सूखे नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, इससे कुकीज़ बहुत ही लाइट और क्रिस्पी बनेगी। अब हम इसमें 1/3 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 1 पिंच नमक लिया है, इसे भी इसमें डाल दें। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे। इसकी जगह पर आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सॉल्टेड बटर का यूज़ करें तो इसमें 1 पिंच नमक ना डालें, और अगर आप अनसॉल्टेड बटर का यूज़ करेंगे तो इसमें 1 पिंच नमक ज़रूर डालें। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल, मैंने कनोला ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें दूध डालकर सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो ये मैंने 1/4 कप दूध लिया है रूम टेम्परेचर पर। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। दोस्तों, आप फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम दूध को आटे में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। कुकीज़ के लिए डो अब बिल्कुल रेडी है। अब हम कुकीज़ को बेक करने के लिए एक कंटेनर ले लेंगे जो कि कुकर में आसानी से आ जाए। मैंने ये केक टिन लिया है और इसे ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैदे से डस्ट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से कंटेनर तैयार कर लें। अब हम कुकीज़ के डो से छोटा सा पोर्शन ले लेंगे, लाइक स्मॉल लेमन साइज़, और इसे बॉल का शेप दे करके हल्का सा चपटा कर लेंगे इस तरह से। और कुकीज़ की जो थिकनेस होगी वो मीडियम होगी, हमें बहुत मोटा और बहुत पतला नहीं बनाना है। अब कुकीज़ को लेंगे और सफ़ेद तिल में इसे दबा कर हल्का सा डिप करेंगे इस तरह से, और अब इसे कंटेनर में हम रख देंगे। तो अब बाकी के डो से भी इसी तरह से कुकीज़ बनाकर रेडी कर लें, और हर कुकीज़ के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखें क्योंकि ये बेक होने टाइम फूलते हैं। कुकीज़ अब बिल्कुल रेडी है बेक करने के लिए, तो चलिए हम इसे बेक करते हैं। और अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो इसे प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 22 से 25 मिनट के लिए बेक करें, या तब तक बेक करें जब तक कि कुकीज़ लाइट ब्राउन ना हो जाए। प्रेशर कुकर अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। अब हम कुकीज़ के कंटेनर को कुकर के अंदर सावधानी से डाल देंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक करेंगे। उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे। कुकीज़ को बेक करते हुए पूरे 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें चेक कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुकीज़ काफ़ी फूल गए हैं लेकिन ये अभी पूरी तरह से बेक नहीं हुए हैं। तो अब हम इसे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए और बेक करेंगे लो फ्लेम पर, या तब तक बेक करेंगे जब तक कि यह लाइट ब्राउन ना हो जाए। कुकीज़ को बेक करते हुए 20 मिनट और हो चुके हैं और ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसे सावधानी से बाहर निकाल लेंगे और इसे इसी कंटेनर में थोड़ी देर के लिए रहने देंगे। उसके बाद इसे वायर स्टैंड पर निकाल कर पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, विंटर स्पेशल सेसमे कुकीज़ अब बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इस कुकीज़ को पूरी तरह से बेक होने में पूरे 40 मिनट लगे हैं, और जब भी ये कुकीज़ आप बनाएं तो इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में ही स्टोर करें ताकि ये क्रिस्पी बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना कीमती फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।